थाना सेक्टर 58 पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। सेक्टर 62 डी पार्क के पास हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में बदमाश फिरोज के पैर में लगी गोली। नोएडा पुलिस ने बदमाश फिरोज से एक अवैध तमंचा, एक चोरी की स्कूटी, एक बैग जिसमें सोने चांदी के आभूषण कीमत करीब 8 लाख रुपए भी बरामद। घायल बदमाश थाना सेक्टर 49 से लूट के मुकदमे में चल रहा था वांछित। बदमाश पर थाना सेक्टर 49 से 25,000 का था इनाम घोषित। ये एक चेकिंग हमारी 58 पुलिस स्टेशन में चल रही थी। हम लोग को इनपुट था कि एक स्कूटी से संदिग्ध जो जिसकी गतिविधियाँ संदिग्ध हैं, उसको जो है वो जब रोकने का प्रयास किया गया उसके द्वारा पुलिस को फायरिंग की, तो उसने भी जवाबी फायरिंग की, उसको गोली लगी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका नाम रोज कट्टा निकल करके आया। जानकारी करने पर पता चला है कि इसमें 25,000 का इनाम था और ये एक साल से जो है वो वांछित चल रहा था 49 पुलिस स्टेशन से। इसके कब्जे से एक बैग मिला, बैग में कुछ चांदी और सोने के ऑर्नामेंट्स मिले हैं। इसकी भी जो है वो जानकारी की जा रही है कि ये कहाँ से आए, कितने लोग हैं इसके साथ और कहाँ का इसमें टिकट नहीं थी। अब ये जो है वो अभी जानकारी की जा रही है। फिलहाल इसको अस्पताल भेजा गया है, परंतु जो सामान मिला है ये संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इसकी जो है और डिटेल जानकारी, आज क्या कुछ करने आया था यहाँ पर, ये लूट करने की जानकारी हम लोग को इसी हम लोग।